हेलो, वेलकम टू रियल दोस्त। रियल दोस्त के और एक वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, न्यू यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि उनके चैनल पे न तो सब्सक्राइबर आते हैं और नहीं उनके वीडियो पे कोई व्यू आते हैं, और वो आएंगे भी नहीं। और वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करोगे, कुछ आप अलग नहीं करोगे अपने वीडियोज में। क्यों आएंगे? यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हैं, हजारों बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वीडियो तो वही बनाते हैं, तो कोई व्यूअर आपकी वीडियो क्यों देखेगा? आपको कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है कि व्यूअर इंप्रेस हो जाए और आपकी वीडियो को रेगुलरली वॉच करने लगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक कमाल की एंड स्क्रीन लेकर आऊँ। ये नॉर्मल वाली एंड स्क्रीन नहीं है जो हम लोग लगाते हैं, एकदम यूनिक सबसे अलग एंड स्क्रीन है जिसको लगाकर आप किसी भी व्यूअर को इंप्रेस कर सकते हो कि वो आपकी वीडियो को देखे और चैनल को भी सब्सक्राइब करे। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ न्यू यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी होती है। मैंने खुद भी ऐसा किया है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि न्यू यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं और फिर कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आज आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखोगे और समझने की कोशिश करोगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक जरूरी बात, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। केबल एंड स्क्रीन मतलब एक बहुत प्यारी सी एंड स्क्रीन बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा फ्रेंड। आप यहाँ देखो, पॉपुलर गेम, आउट्रो, क्विट, ग्लिच, बहुत से एनिमेशन है, बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत सुंदर सुंदर एनिमेशन है और जिस तरह के चाहो उस तरह के एनिमेशन है। तो अभी के लिए हम लोग को एंड स्क्रीन लगानी है, तो हम लोग आउट्रो को ही एंड स्क्रीन बोलते हैं। उसमें जाते हैं और सी ऑल पे क्लिक करते हैं। सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड, आप देखोगे कि बहुत सी एंड स्क्रीन आपके सामने आ गई है, जिसमें आप चाहो तो एक सब्सक्राइब बटन और एक एंड स्क्रीन लगा सकते हो, आप चाहो तो एक सब्सक्राइब बटन दो एंड स्क्रीन लगा सकते हो, और जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो और मैक्सिमम चार एंड स्क्रीन लगा सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये वाली एक क्लिक कर लेता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 सेकंड का टाइम लगाती है। लगाने के बाद देखो फ्रेंड, ये एक एंड स्क्रीन आपके सामने आ गई है। अब आपको इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करना है। डेकोरेट करना बहुत ही इजी है फ्रेंड। यहाँ में 4-5 ऑप्शन है नीचे की तरफ, एक टेक्स्ट, टाइटल, स्टिकर, म्यूजिक, पिक्चर, टेक्स्ट से कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखते हैं। लिखने के बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद आप चाहो तो इसके फॉन्ट वगैरह चेंज भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चेंज नहीं करता हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसको एक एनिमेशन दे देता हूँ। ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ और डन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डन बटन पे क्लिक करने के बाद, जैसा कि ये थैंक्स फॉर वॉचिंग मुझको पूरे एनिमेशन में चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करते हुए स्टार्ट से पूरे लास्ट तक लगा देता हूँ। ये थोड़ा आप एक दो बार करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। फ्रेंड देखो, ये थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ आ गया और ये एंड स्क्रीन अब थोड़ी सुंदर लगने लगी है। अब आप बोलोगे कि मुझको एक सब्सक्राइब का भी लोगो लगाना है, तो आप पिक्चर वाले ऑप्शन में चले जाओ और यहाँ से ये सब्सक्राइब वाला बटन ले लेते हैं और इसको हम लोग अभी के लिए घुमा देते हैं और डन बटन पर क्लिक कर देते हैं। यह फ्रेंड देखो, सब्सक्राइब बटन भी आ गया, लेकिन सब्सक्राइब बटन ठीक जगह पे नहीं आया, तो हम लोग इसको इस तरह से सेट कर देते हैं और डन बटन पे क्लिक कर देते हैं। और ये सब्सक्राइब बटन भी हम लोग को पूरे एनिमेशन में चाहिए, तो इसको भी हम लोग ड्रैग करके स्टार्ट से लास्ट तक एडजस्ट कर देते हैं। अब आप चाहते हो कि कोई सोशल बटन, जैसे कि आप इंस्टाग्राम की आईडी या कुछ लगाना चाहते हो तो उसका भी आपको लोगो लगाना है, तो फिर से हम लोग इस पिक्चर पर जाते हैं और ये इंस्टाग्राम का ले लेते हैं और जहां आप लगाना चाहो वहां आप इसको एडजस्ट कर दो और इसको भी एक एनिमेशन दे देते हैं हम लोग। इसको भी एक एनिमेशन दे देते हैं और डन बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर हम लोग को ये जो इंस्टाग्राम वाला जो बटन हम लोगों ने लगाया है, वो भी हम लोग को पूरी एंड स्क्रीन में चाहिए, तो हम लोग इसको भी ड्रैग करते हुए स्टार्ट से लास्ट तक लगा देते हैं। फ्रेंड इस तरह आप जितना चाहो मॉडिफाई कर सकते हो, जितनी चाहो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, जितना चाहो सुंदर आप बना सकते हो। देखो फ्रेंड, एक एंड स्क्रीन तैयार हो गई। अब आप इसमें और भी कुछ चाहो तो लगा सकते हो। आप चाहो तो म्यूजिक ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो स्टिकर लगा सकते हो और आप चाहो तो बहुत ही एनिमेशन दे सकते हो। जैसे सब्सक्राइब बटन है, इस पर मैं फिर से जाता हूँ और ये एक एनिमेशन दे देता हूँ और डन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखो, अभी सब्सक्राइब बटन हिलने भी लगा है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, एक एंड स्क्रीन तो रेडी हो गई है, लेकिन अभी आप वीडियो छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी बहुत से प्रोसेस बाकी है, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट होने में भी ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है फ्रेंड।
तो ये अभी एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये हम लोग के लिए एक एंडी स्किन रेडी हो गई। अब हम लोग इसको और मॉडिफाई भी करेंगे और काइन मास्टर में जाके इसमें कैसे क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सब कुछ बता दूंगा। तो आप टेंशन मत लो और इस वीडियो पे बने रहो और लास्ट तक इस वीडियो को देखो ताकि आप भी एक ऐसी क्लिकेबल एंडी स्किन बना सको। फ्रेंड अब क्या करना है, अब हम लोग को काइन मास्टर पे जाना है। काइन मास्टर पे जाना कोई जरूरी नहीं, आप जो भी चाहो वीडियो एडिटर यूज कर रहे हो उसमें हो जाएगा। मैं काइन मास्टर पे जाता हूँ और प्लस किचन पे क्लिक करता हूँ और 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मीडिया में जाता हूँ और कोई एक एम्प्टी फाइल ले लेता हूँ। इस कोई भी कलर की ले सकते हो फ्रेंड, क्योंकि ये शो नहीं करेगी। फिर क्या करना है, फिर हम लोगों ने अभी जो फ्रेंड एंडी स्किन बनाई थी वो एंडी स्किन को इस पर लगा देना है। देखो फ्रेंड ये एंडी स्किन इस पर एडजस्ट हो गई है। अब एडजस्ट होने के बाद हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड, अब इसमें दो एंडी स्किन है और एक सब्सक्राइब बटन है, लेकिन जो एक एंडी स्किन है उसमें मुझको वीडियो लगाना है और उस जिस वीडियो लगाना है। अब फ्रेंड इसमें दो एंडी स्किन है और एक सब्सक्राइब बटन है, तो हम इसमें एक वीडियो लगाएंगे और एक एंडी स्किन लगाएंगे। एक वीडियो शूट मैंने करके पहले ही रख दिया था और वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने वीडियो पहले से शूट करके रखा है। तो लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और मैं उस वाली वीडियो को ले लेता हूँ, लेके उसके साउंड ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, अब बाद में आपको दिखा दूंगा। और फ्रेंड उसके बाद क्या करना है, इसको इस एंड स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको चलाना होगा, आपको देखना पड़ेगा एंड स्क्रीन कहाँ पर आ रही है और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड क्या होगा, देखो आप ये एक एंड स्क्रीन में आपका बोलता हुआ वीडियो आ गया, ये ठीक से नहीं आया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं। अब देखो फ्रेंड ये एक एंड स्क्रीन पे वीडियो लग गया है, यहाँ पे एक एंड स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन आ गया। लेकिन वीडियो में फ्रेंड्स बने रहिएगा, मुझको अभी भी आपको और बहुत कुछ बताना है। फ्रेंड अब आप बोलोगे कि ये वीडियो तो रेडी हो गया है लेकिन इसमें सब्सक्राइब बटन कैसे लगेगा, दूसरी वाली एंड स्क्रीन कैसे लगेगी। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, अब आपको आई टी स्टूडियो में जाना है और आई टी स्टूडियो में जब आप वीडियो बनाओ तो वीडियो के बनाने के बाद आप जब लास्ट में एंड स्क्रीन तो लगाते ही हो, तो आपको क्या करना है अपने वीडियो के लास्ट में इसको जब लोग एक्सपोर्ट करके जो फाइल रेडी होगी उसको लगा देंगे और बाद में जब सब्सक्राइब की बटन और एंड स्क्रीन जो आएगी उसको ड्रैग करके हम लोग सब्सक्राइब बटन को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे सर्कल में और जो एंड स्क्रीन आएगी उस एंड स्क्रीन को इसमें एडजस्ट कर देंगे। इस तरह बहुत ही शानदार एंड स्क्रीन बनकर रेडी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड अभी आप वीडियो में जाना मत और फाइनली आप देख कर जाओ कि ये लास्ट में एंड स्क्रीन जब रेडी हो जाएगी तो कैसी लगेगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अब तक आपको एंड स्क्रीन लगाने का प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा और बहुत जल्दी ही आप ऐसी एंड स्क्रीन अपनी वीडियो में भी लगाना चालू कर दोगे। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी बात फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सर्कल में राउंड राउंड रियल दोस्त का लोगो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वहां जाइए और उसको क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।